हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड मैं आप लोग को टाइम दिखा रही हूँ कि मैं कितने बजे सो के उठी हूँ। ये देखो 4:45 हो रहे हैं। 4:30 पे मैं उठी थी सो के, 4:30 बजे। अभी तो बाहर बैठी हुई थी, मम्मी सभी लोग उठ चुके हैं। जो हमारी बड़ी माँ है, उन्होंने बड़ी सास है जो, उन्होंने नहा लिया है, पूजा पाठ कर लिया है और वो चाय लेने गई हैं अपने बहुओं के लिए। वो हमेशा सुबह चाय लेके आती हैं, पता नहीं यहाँ पे कुछ अच्छा फेमस है चाय का तो वो वहीं से चाय लेके आती हैं, वो खुद पीती है। बट आज सारी बहुओं के लिए लेके आई हैं। मैं जा रही थी नहाने, चेंज करने, बट मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ सुबह 4:30 बजे। एकदम गाँव की संस्कारी टाइप्स बहू वाली नींद खुली है, उठी हूँ मैं। और आज ही पूजा है हमारे घर, गांव घर पे, जो हम पूरे गांव में घूमने जाएंगे, ये सारी चीज़ें आज होंगी। तो जा रहे नहा धोवा के, रेडी हो जाने, फिर खाना बनाना है सुबह का। बहुत अच्छा लग रहा है यार। और सुबह 4:30 बजे ना आँख खुली, एकदम फ्रेश, जैसे मतलब हम 9-10 बजे उठते हैं ना, वैसे ही एकदम फ्रेश सो के उठी हूँ। बिल्कुल कोई लग नहीं रहा कि 4:30 हो रहे हैं ऐसा कुछ। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हमारे दोनों बच्चे सो रहे हैं, इस वाले रूम में सोए हुए थे हम लोग, दोनों बच्चे सो रहे हैं। सो चलते हैं, नहा लेते हैं, नहा धोवा के रेडी होके, सुंदर बन के तैयार होके फिर मिलते हैं आप सभी से। ओके, बाय बाय। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, मुझे बहुत अच्छा। देवरानी जेठानी उठ गए हैं सो के। सुबह 4:30 बजे से उठ के घूम रहे, इतना अच्छा लग रहा है। गांव में पूरी वैसी गांव वाली फीलिंग आ रही है। आप जल्दी जाके सो गए थे, रात को मिले भी नहीं थे। आपको क्या लगा था कि भाभी ने मेरे ऊपर चूहा फेंक दिया? हाँ, मैं दीदी को डांट रही थी, वॉशरूम जाना, इसीलिए बैठी हूँ। इसीलिए बैठी हूँ मम्मी। भाभी नहीं, प्लीज भाभी, फाइनली नई नवेली दुल्हन, 2 साल पुरानी दुल्हन हो गई है, नहा धोवा के रेडी। और मैंने अभी हल्की सी साड़ी पहनी है, जब पूजा वगैरह में जब जाना होगा तब मैं थोड़ी हैवी साड़ी पहनूंगी, बट स्टिल अभी सुबह का नाश्ता वगैरह करना है सो मैंने इसलिए हल्की सी साड़ी पहन ली है। और मैंने इयर रिंग्स चेंज कर लिए, अपना ये वाला इयर रिंग्स पहन लिया, बस 2 ही लेके आई थी, इससे ज़्यादा नहीं लेके आई हूँ, चेंज करके पहन लिया है। और अब मैं जा रही हूँ बाहर, मैं अपना फुल साड़ी का दिखा दूँगी। आप लोगों ने वैसे ये देखा हुआ है साड़ी, और मैंने साड़ी बिल्कुल ढंग से नहीं पहना है, जल्दी जल्दी में बस देखो ऐसे ही लपेट लिया है ताकि मैं जल्दी बाहर चले जाऊँ वरना लेट हो जाएगा। और सीरियसली यार मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं बाहर और थोड़ा बहुत जो भी काम है वो करवा देते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। का कहानी हम रहे ए दुलही, कितना अच्छा लगा सुन के ए दुलही। फोटो बनल तो दुलही ना कह जाई, अब हम के दीदी लागल लो। बहुत अच्छा लागल सुन के, ऐसे कहत नहीं, कितना निमन से कहानी ए दुलही। तो हम उठे हैं 4:30 बजे और पति देव हमारे, कोई टाइम टेबल बता सकते हो उठने का? कोई टाइम टेबल है सो के उठने का कि नहीं? मैं 4:30 बजे की उठी हुई, मैं कब सो के उठूँगी? बड़ा
तो यहाँ पे हजामीन है, बोलते हैं इनको। ये पैर में कलर लगाती है रेड मावर, गांव में यही आती है लगाने, कुछ शुभ काम होता है तो किसी भी चीज़ में यही आती है। तो पहले मम्मी ने लगवाया था, फिर यहाँ चल रहा है देवर भाभी का मजाक, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, बहुत ही भयंकर मजाक होता है इन सबका। और यहाँ मैं खड़े होके मम्मी से खाना के लिए पूछ रही थी कि क्या खाना बनेगा, कैसे होगा, क्या इतने सारे लोगों में ना समझ नहीं आ रहा था कि मतलब अंजाद नहीं पता चल रहा था कितना बनेगा तो हो जाएगा क्या होगा, पर वही सब डिस्कशन चल रहा था क्या खाना बनेगा क्या नहीं। और ये एक दीवार है जिससे आगे मैं नहीं जा सकती हूँ, और बाकी सब लोग जाते हैं बट मैं यहीं से खड़े होकर सबसे बात करती हूँ, मैं इसके आगे नहीं जा सकती हूँ। No stranger to pain, never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. तो यहाँ पे मम्मी और पापा जी पूजा पे बैठ गए हैं, और मम्मी ने पहनी है येलो साड़ी जो हम लोग चांदनी चौक से लेके आए थे ना, वो वाली साड़ी है, और चुनरी कंपलसरी होता है। यहाँ पे पहले आंगन में पूजा होगा, उसके बाद हम सभी लोग जाएंगे, पूरा गांव एक एक मंदिर घूमेंगे, और वहाँ पे बोलते हैं भगवान जी को बोला जाता है कि हम अच्छा कुछ सोच के कर रहे हैं। ये जो है ना पिंडदान, ये बहुत कम लोग कराते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं, उनके लिए होता है कि वो हमारे हमें तरक्की दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। और इस सिचुएशन में ना ऐसा पल था ये कि पापा जी बहुत रोए थे, मम्मी हम लोग बहुत रोए थे, क्योंकि हमने कुछ ना चीज़ें ऐसी सुनी है कि जो वहाँ पे जाता है जैसे मम्मी पापा गए तो उनके लिए थोड़ा सा बहुत संकट भरा चीज़ें रहेंगी, तो ये सोच सोच के कि मतलब मम्मी पापा ठीक से मतलब सब कुछ करके वापस आ जाए अच्छे से, तो ये सोच के पति देव तो इतना रोए थे कि मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती। पति देव का तो मतलब रो रो के बुरा हाल हो गया था, क्योंकि वो अपनी मम्मी और मम्मी उनकी जान है, वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, पापा से भी करते हैं बट मम्मी से बहुत करते हैं। तो वो मतलब सुबह से उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया था, और जब तक मम्मी गई नहीं है तब तक मतलब उनके जाने के बाद भी रोड पर खड़े होकर सिसकियाँ पड़ी हुई थी। आप लोग देखना आगे ब्लॉग में, मैंने रिकॉर्ड किया है थोड़ा बहुत, आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ तो सभी रो रहे थे, हम भी रो रहे थे, मम्मी की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, हम सभी रो रहे थे, मतलब सिचुएशन ही ऐसी थी। और मुझे बाहर ऐसे जाना अलाउ नहीं था, तो मैं घूंघट करके ही गेट वेट पे खड़े होकर थोड़ा बहुत देख रही थी, बिकॉज़ गांव के सभी औरतें आई हुई थी। सो हम लोग बाद में निकले थे जब मम्मी ने बोला कि हाँ चलो आ जाओ, कि अब पैर वैर छूना है। यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक थी, बट बाद में सबका रोना स्टार्ट हो गया जब जैसे हम घर से बाहर निकलने लगे ना गाँव घूमने के लिए, और वो ब्लॉग भी इसके बाद आएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ब्लॉग भी, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखना है। चैनल पर अभी कोई भी नया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सभी। सो मैं हो गई हूँ पूजा के लिए रेडी, और पूजा जैसे कि आप देख रहे हो बाहर हो रही है, बाहर हमें जाना अलाउ नहीं है बिकॉज़ गांव के सभी औरतें आई हुई हैं, सो इसीलिए हम लोग रेडी होकर रूम में ही हैं। बट गांव पूरा घूमने ने उतना बोलते हैं या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, सो पूरे गांव घूमने सभी लोग जाएंगे तो हम लोग भी जाएंगे, बट इतना घूंघट कर करके। सो ब्लॉग आप लोग इन्जॉय के लिए बने रहिए। ये चीज़ मुझे नहीं लगता अभी तक किसी यूट्यूबर ने शेयर किया होगा कि ऐसा भी कुछ चीज़ें होती हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। और मैंने पहनी है सुंदर से ये इयररिंग्स, जो शायद फर्स्ट टाइम आप मुझे देख रहे हो पहने हुए, यस मैंने फर्स्ट टाइम ही पहनी है। सो चलिए पूजा देखिए, इन्जॉय कीजिए, एंड प्लीज़ मेरा लुक बताइएगा। चांदनी चौक से तो साड़ी ली थी, उसमें से एक साड़ी ये वाली ही थी, तो मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है और जूड़ा बना लिया है बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है।
और हमारी ये प्यारी सी साड़ी कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग कैसी लग रही हूँ मैं। अभी नीचे गीत भी देख रहे हो ना चल रहा है ना, सो हम थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं। भाभी ने बोला है कि अगल बगल से कोई दिखता नहीं है, जा सकती हो छत पे, कोई दिक्कत नहीं है। सो हम लोग आ गए। तो ये हम दोनों ननद और भौजी तैयार हो गए हैं, लेकिन गर्मी से हमारा बुरा हाल हो गया है, बहुत गर्मी है। हम लोग हो गए हैं तैयार, ननद और भौजी और ननद, और दोनों जने पसीने से लदर पदर हो गए हैं। अभी पता नहीं कब तक जाएंगे, भूखे प्यासे हैं। कितना टाइम हो गया होगा ऐसा फोन था कि टाइम हो नहीं खेला होगा तो ना फोन देने वाली। अरे अभी 10 ही बज रहा है, मैं सोची 12-1 बज रहा होगा। आयशा तो अच्छा लग रहा है थोड़ा। हमारा भी अब आप आपकी बारी। और ये हमारी जेठानी के लिए, मतलब से मैं आई, भाभी ने गाना सेलेक्ट करके रखा है मेरे लिए। कौन सा भाभी गाना खुद भूल गई, गुलाबी साड़ी पता नहीं क्या है जोना मेके पहने राहुल भाभी, गुलाबी गुलाबी गुलाबी। वीडियो बना के जरूर डालूंगी, रील्स बना के और डालना। इसलिए मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी है कि भाभी के लिए, भाभी की जो तमन्ना है, दिले ख्वाहिश है, उसको पूरी किया जाए, है ना भाभी। चलो अब गाँव घूमने चलते हैं। कैसे बताओ भाभी, कैसे जाएंगे हम गाँव घूमने? आओ धनवी। तो हम यहाँ पे खड़े हैं पैर छूने के लिए, और यहाँ देखो पापा जी और ये मेरी बुआ जी, ये दोनों जने आपस में बात करके और बहुत रो रहे थे, क्योंकि स्पेशली ये सारी चीज़ें तो पापा जी के मम्मी पापा मम्मी के सास ससुर के लिए ही है, तो यादें तो आ ही जाती है। और घर भी ना मतलब बहुत अजीब सा हो रहा है, अजीब माहौल है, हर एक चीज़ बहुत अजीब है, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है जैसा भी सिचुएशन है। और यहाँ पर हम लोग पैर पंडित जी के छूने के लिए सभी लोग खड़े थे, और यहाँ पर मम्मी हमें बता रही थी कैसे करना है क्या करना है। एंड गाइस देखो मम्मी ही कितना घूंघट करती है सभी लोगों से। सो यहाँ पे पंडित जी खड़े थे, हम लोग यहाँ पे खड़े थे कि हम लोग पंडित जी का पैर वैर छुएंगे, और फिर पंडित जी को हम लोग पैर छू के हमेशा उनको पैसे देते हैं, ये हम लोग हर जगह करते हैं। सो अब हम लोग निकल रहे हैं गांव के लिए सभी औरतें विद घूंघट, एंड हमारे ये रिचुअल्स हैं जो आप लोग को देख के अच्छा लग रहा होगा एंड आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ऐसा आपने कभी मेरे चैनल पे नहीं देखा होगा। और ये सभी बुआ जी वगैरह हैं, भाभियां हैं, सभी लोग हैं, और हम सब बस निकल रहे हैं। पीछे ढोल वोल भी करा हुआ था, सो वो भी आए। पापा जी पूरा पसीने से भीग गए हैं, पापा जी को बहुत पसीने हो रहे थे, गर्मी ही बहुत ज़्यादा थी तो इसीलिए। और मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा पूरा लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं अच्छी लगती हूँ तो मुझे भी कॉमेंट में बता देना कि कैसी लग रही हूँ मैं। और ये सबसे आगे बुआ जी हैं, उनके पास है धनवी और मम्मी, तीन देवरानी जेठानी हैं, जिसमें से ये रेड साड़ी में आप जो देख रहे हो वो बीच वाली हैं, और जो बड़ी वाली हैं उनको तो दिखाई दिया, और मम्मी हैं।